घटनाचक्र इतिहास पूर्वावलोकन में आज देखेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न है पहला, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये एनफील्ड राइफल जो दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया और इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। उस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 में बंगाल सेना ये अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो मुख्य तात्कालिक कारण जो था वो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। ठीक है, यानी कि जो कारतूस में क्या था, सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? तो मंगल पांडे की घटना जो हुई थी वो हुई थी मेरठ में, सॉरी बैरकपुर छावनी में। ठीक है, बैरकपुर छावनी में हुई थी, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण पर उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे जो है बैरकपुर छावनी से ये जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही ये किस इन्फेंट्री के थे? तो ये मंगल पांडे जो 34वीं इन्फेंट्री के थे, तो इसमें 34वीं ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो देखिए 34वीं इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान। बख्त खान कौन था? तो बख्त खान, देखिए बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था और ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल और अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व तो बख्त खान के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख जो कारण था वो सैनिक सॉरी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी मुखी फूट पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं, ये W.H. रसेल थे इसके। ठीक है, समाचार पत्र जो टाइम्स थे उसके संवाददाता थे W.H. रसेल। 1857 में लंदन से प्रकाशित टाइम समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति जो हुई थी वो मेरठ से प्रारंभ हुई थी, 10 मई मेरठ को हुआ था 1857 में। और वही कारण था, यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो स्वतंत्रता 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो पहली घटना थी वो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था, ये पहली घटना थी। ठीक है, देखिए
11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। और कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह कर दिया था। ये जो घटना है दिल्ली वाली, ये 11 मई को हुई थी, 5 जून को 1857 में यानी कि कानपुर में हुई थी नाना साहब के द्वारा। और 30 मई को बेगम हजरत महल ने लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया और वे 17 जून 1858 को शहीद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को अधिकृत किया था। कैप्टन कौन था? देखिए यहाँ पे कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो उनकी जन्मस्थली है वाराणसी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई इनका मूल नाम है मणिकर्णिका। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था जो वर्तमान में वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान जो था वो बरेली विद्रोह का नेता था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। और ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था और इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और सुयोग्य राजनीति के गुणों को प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो अंतिम युद्ध हीरोज से सामना करना पड़ा था। ठीक है, हीरोज था, इसी से अंतिम युद्ध में इसको महारानी लक्ष्मीबाई को सामना करना पड़ा, हीरोज से। लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। और झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ और यानी कि शुरुआत हुई। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहाँ तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वो वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो ये बड़ा था बेगम ऑफ अवध, यानी कि बेगम जो हजरत महल थी जिनको बेगम ऑफ अवध कहा जाता था, उनके नेतृत्व में लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था और विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल यानी बेगम ऑफ अवध ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया था, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? तो मौलवी जो लियाकत अली थे वो इलाहाबाद 1857 के संग्राम के नेता थे, इन्होंने इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त कर दिया था। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी वो कहाँ से थी? तो अवध से सर्वाधिक सिपाहियों की संख्या थी जो 1857 के संघर्ष में भाग लिया था जिन्होंने। लगभग कितनी थी? केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था वो तात्या टोपे था। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई और नाना साहब को सेनापति यानी कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार ये कहाँ के थे? तो अजीमुल्ला खां जो सलाहकार थे वो नाना साहब के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये तात्या टोपे था। तात्या टोपे यानी कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। देखिए पूरी कहानी यहाँ पे है। तात्या टोपे जो 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येओला गांव में हुआ था और वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए थे, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया और उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीत कर नाना साहब के अधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया और जनरल हिरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के बाद तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र, खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। एक वर्ष तक सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रहीं। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारों के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी। किसको? तात्या टोपे को, जो इनका जो मित्र था मान सिंह, इसने ही धोखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो जो कुंवर सिंह है वो बिहार से संबंधित रखते हैं। 1857 में यानी कि जगदीशपुर में जो विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिला यानी कि जो वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे और प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मुंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहबाद एवं आरा क्षेत्रों में अंग्रेजी सत्ता का तख्ता पलट कर दिया। वे कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े और विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया और अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित कर दिया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उनके भाई अमर सिंह ने 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ये आरा में शामिल हुए थे कुंवर सिंह, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता बाबू कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में जो नेतृत्व किया है वो कुंवर सिंह ने ही किया है। क्वेश्चन है हमारा, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह ही 1857 में पटना के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो जो असम में था वो दीवान मणिराम दत्त थे। दीवान मणिराम दत्त जो असम के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, वो जगदीशपुर ही केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो ये आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे, वो जोधपुर और अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जो जयपुर है ये 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो अंग्रेजों से संघर्ष किया शहादत खान ने। अंग्रेजों से संघर्ष जो किया है वो शहादत खान ने किया। शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन जो था वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, जिन्होंने फैजाबाद में 1857 का विद्रोह किया था। ठीक है, विद्रोह के नेता फैजाबाद विद्रोह के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। देखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व तो प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे और वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों के से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यो मिर्जा गालिब थे, मिर्जा गालिब ने देखा था 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल नाम क्या था, सॉरी मूल निवास क्या था? तो मूल निवास जो है वो आगरा के रहने वाले थे। ठीक है, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो 1857 की पहली लड़ाई में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में जनमानस का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं है?
तो जो ऊधम सिंह हैं वो 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं रखते हैं। देखिए ऊधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं, ये पंजाब के क्रांतिकारी थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्यु दंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? देखिए अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला जो राजवंश है वो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। और यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? तो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो विद्रोह में भाग नहीं लिया था वो कृषक और जमींदारों ने विद्रोह में सॉरी साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया, यानी कि ऑप्शन बी सही है। साहूकार और जमींदार जो थे उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसे देखते हैं, 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, फिर भी पूरे देश को यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका था। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम और जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब और पटियाला नाभा और जींद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध यानी तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये जो चित्तौड़ है ये 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, ठीक है, जबकि झांसी और जगदीशपुर लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे और इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो जो बिहार का भाग अप्रभावित रहा है वो रहे मुंगेर, ठीक है, और ये सभी दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर ये सभी 1857 के विद्रोह से प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सूची वन को यानी कि सूची वन 1857 के विप्लव के नायक और सूची टू उनके कार्य क्षेत्र सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए है, देखिए कुंवर सिंह तो आरा से थे, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला नाना साहब कानपुर से थे, ठीक है, और ये क्या नाम, देखिए बख्त खां ये दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला ये अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से, ए का चार है, बी का एक है, ए का चार बी का एक ऑप्शन सी है, ठीक है, और सी का तीन है, कुंवर सिंह आरा से हो गए, नाना साहब कानपुर से हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है,
सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए। सूची वन में दिया गया है झांसी, ठीक है, सूची वन में झांसी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और कानपुर से अजीमुल्लक, और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह, ठीक है, यानी कि मिलान कीजिए तो ए का 4 है, ठीक है, ए का 4 है, बी का 2 और डी का, ए का 4 बी का 3 है, ठीक है, लखनऊ, लखनऊ बेगम हजरत महल थी, ठीक है, बिल्कुल, लखनऊ बेगम, यानी कि ए का 4 बी का 3 और सी का 2 है, ठीक है, सी का 2 यानी कि कानपुर से अजीमुल्ला खां और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह, तो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो सक्रिय भाग जिसने लिया था वो इसमें से कोई नहीं है। नाना साहब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, यानी कि सक्रिय भाग लिया था किसने, सक्रिय, तो सक्रिय किसी ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, और लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ था। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में नाना साहब ने और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जबकि बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक था, उसकी पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह का में भाग लिया था। इस प्रकार सभी विकल्प, सबसे उचित उत्तर विकल्प ये होगा, यानी कि उनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिर सूची वन को सूची टू से मिलान करने के लिए नाना साहब, नाना साहब थे कानपुर से, ठीक है, बी का 2 है, और मौलवी अहमदुल्ला मनीराम दीवान दिल्ली कानपुर, नाना साहब कानपुर से हो गए, यानी कि ए का 2 हो गया, देखिए ए का 2 इसमें हो गया, तो यानी कि सी और डी में से कोई है, ठीक है, ए का 2 हो गया, और बी का नवाब वाजिद अली खान, ये दिल्ली से थे, ठीक है, ए का 2 बी का 1, और मौलवी अहमदुल्ला जो मेहंदी, मौलवी अहमदुल्ला ये असम से, और मनीराम दीवान नहीं, सी का 4 मनीराम दीवान ये असम से थे, ठीक है, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला ये लखनऊ से, तो ऑप्शन ए से डी सही है, 1 मिनट, ऑप्शन डी सही है, यानी कि नाना साहब कानपुर से हो गए, हामिद अली खान दिल्ली से हो गए, ठीक है, और हाँ ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, मनीराम दीवान डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय, ये 1856 से 62 तक रहा था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जो बैरकपुर छावनी में था वो हेरसे था। 1857 चौंतीसवीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बैनेट हेरसे कमांडिंग ऑफिसर थे, ठीक है, बैनेट हेरसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में लॉर्ड बेनेली, सॉरी लॉर्ड कैनिंग ने 1857 को इलाहाबाद में, इलाहाबाद को ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के
विद्रोह के समय, सॉरी 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था वो पामर्स्टन था, ठीक है? कौन था? पामर्स्टन था। यानी कि जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, ब्रिटेन में विस्कॉन्ट पामर्स्टन, हेनरी जॉन टेम्पल और तृतीय विस्कॉन्ट पामर्स्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल की बात की जाए तो 1855 से 1858 और 1859 से 1865 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो 1857 के विद्रोह से इनमें से किसी का नहीं जुड़ा है। कर्न सेंट लागर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और कर्नल बैलेस, किसी का नहीं है। उपरोक्त में थे सभी, यानी कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो ये किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी इसमें, यानी कि कोई इसकी योजना नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको देखते हैं, 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था, और विद्रोहियों को नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था और उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था, और साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने में तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था और उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे और विदेशी शासन के प्रति एक साझी गढ़ा छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों? क्योंकि यानी कि ब्रिटिश सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ठीक है, यानी कि उपयुक्त तो सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज राजपूत राज्यों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। छावनियों के सैनिक राजपूतों से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को नहीं दर्शा पाए, यानी कि जो ए वाला है वो सही है, ठीक है। स्थानीय शासकों के क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ में अपना जीवन खोया था किसने किसने? जनरल नील ने खोया था, मेजर जनरल हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस, तीन ने लखनऊ में इनका अंत हुआ था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजी द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकल्सन घायल हुए थे और 23 सितंबर 1857 को इनकी मृत्यु हो गई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस और मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 यानी कि विचार कीजिए कि कथन है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए, ठीक है। तो यानी कि का और खा दोनों सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये सर जेम्स और आउटरम और डब्ल्यू टेलर, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो किसने? वो बी डी सावरकर ने कहा था, ठीक है। बी डी सावरकर, जिनकी पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो बी डी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वी एस एस सेन जो थे वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। इनकी पुस्तक है 1857, 1957 में ये प्रकाशित हुई थी। सुरेंद्रनाथ सेन, यानी कि सुरेंद्रनाथ सेन, एस एन सेन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खां थे, जो भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने वाले थे। अगला सर अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक है इनकी, असबाब ए बगावत ए हिंद, वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन संबंध है किसने कहा था? तो आर सी मजूमदार ने ये कहा था, ठीक है। इनकी पुस्तक है द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया गया, और मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये आर सी मजूमदार ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार, 19वीं इस तथ्य को यानी कि डॉक्टर आर सी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत पर्याय बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ब्रिटिश शासन ने जो पूरा किया था वो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 के उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार को परित्याग करना था जी, और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना था, यानी कि एक और दो सही हैं, तो ऑप्शन ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग है ये, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था? तो 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का प्रांतों से चयन किया था वो गोरखा सिख पंजाबी और उत्तर प्रांत से चयन किया था, ठीक है। अब देखते हैं अन्य जन आंदोलन, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ, ठीक है। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ, और पावना उपद्रव भी 1873-76 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए थे और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी, और 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नादिया पावना खुलना और ढाका मालदा दीनाजपुर आदि क्षेत्रों में ये फैल गया था। इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही है, ठीक है। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अगला अत्याचारों के खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है, और वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है,
और इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। ठीक है, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। और रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। देखिए अब क्वेश्चन देखेंगे इनसे। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो वो हुआ था नील उपद्रव। ठीक है, देखिए ऐसे ही में देखेंगे, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह जो 1859-60 ईस्वी में हुआ था, और सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, और पाबना उपद्रव 1873-76 ईस्वी में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई, और एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हो गए थे और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक हैं शरत चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र जो हैं वो नील दर्पण के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की है? वो रचना की है दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं नील दर्पण नाटक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध था, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभ कर होना था, तो यही कारण है इसका। नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है और ये 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे, और ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन एवं नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और इस उपन्यास का कथानक जो है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, और 1896 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो आनंदमठ उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो वो सन्यासी विद्रोह को प्रसिद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए है, विद्रोह और वर्ष हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा है पावना विद्रोह 1873-76 में। ठीक है, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में हुआ था, सन्यासी विद्रोह ये 1763-1800 ईस्वी में, और कोल विद्रोह ये 1831-32 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बाकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन के दौरान 19वीं शताब्दी के दौरान बहावी आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य केंद्र जो था वो पटना था। ठीक है, पटना में बहावी आंदोलन
हुआ था, शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था, दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए थे किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए थे, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। और पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था, और इनका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अन्य विश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। और बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, और जिसका नेतृत्व किया था राम सिंह ने। 1872 में इस आंदोलन का नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनके 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? तो कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो ये किसका था? ये जो पागलपंथी विद्रोह था ये गारों का विद्रोह था। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, और ये वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था, और करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था, और 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो फराजी विद्रोह का नेता जो था वो दादी मियाँ था। फराजी लोग जो बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, और ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। और ये शरियतुल्ला के पुत्र जो दुदू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी, और यही आंदोलन 1888 से, यानी कि 1862 से 1888 में चलता रहा, और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? तो फराजी जो थे हाजी शरियतुल्ला के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बेलथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बेलथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? वो कहाँ किया था? वो केरल में बेलथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो 1855 में बेलेजली ने ट्रावणकोर यानी केरल के महाराजा को सहायक सैनिक करने पर विवश किया था, और महाराजा सैनिक की शर्तों से अप्रसन्न था, और इसलिए उसने सहायक सैनिक संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत दृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान बेलथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया, और अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट इलाके में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो खोंद जनजाति ने मानव बल प्रथा का निषेध करने का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह जो 1831-32 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? वो बुद्धू भगत ने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सिंहभूम झारखंड क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? जो बघेरा विद्रोह है वो बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेजी सरकार
अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था, और ये बघेरा विद्रोह ये बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना के सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप बघेर सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटना के क्रम में रखिए। तो पहले हुआ बंगाल का सिपाही विद्रोह, इसके बाद बेलोर का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इसमें देखते हैं, बेलोर का सिपाही विद्रोह यानी कि बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था 1764 ईस्वी में, बेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था, कच्छ का विद्रोह 1819 से 1831 ईस्वी में हुआ, कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो बेलोर का विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था जॉर्ज बारलो के कार्यकाल में। किसके? जॉर्ज बारलो के समय हुआ था बेलोर विद्रोह 1806 में। सैनिकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेलोर में विद्रोह कर दिया और मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1800 ईस्वी में। तो इसमें ऑप्शन नहीं है। देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह का नाम कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में और कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में और मुंडा विद्रोह 1899-1900 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, छोटा नागपुर की हो ये 1820 में, एवं मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी इस क्षेत्र में। इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही और छोटा नागपुर का क्षेत्र वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कानू और भैरव चांद ने, दोनों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ठीक है, ये इसमें कब हुआ? 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कानू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 1855 में संथालों ने मेजर बरो को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 के संथाल होल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए, गोको गोड्डा एक महत्वपूर्ण सेना नेता था और इस संदर्भ में महाजन दीन दयाल राय की भी एक महत्वपूर्ण नाम है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। यानी कि 1, 2, 3, ठीक है, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। तो यानी कि ये दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो जो भील विद्रोह हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ था 1818-31 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कोल विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ? कोल विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामू और मानभूम पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में, यहाँ पर आदिवासियों और विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ था। संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था, ये विद्रोह भागलपुर के राजमहल के बीच क्षेत्र में केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़, वांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था गोविंद गिरी ने।
मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन। तो ये लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था गोविंद गिरी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलन विद्रोह जो था वो बिरसा मुंडा से जुड़ा था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आवा यानी जगत पिता और इनके विद्रोह को उलगुलन यानी महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना गया है। और यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक समूह सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, भारत के इतिहास में के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्न से किस घटना का विवरण था? तो ये 1899 यानी 1900 के बिरसा मुंडा के विद्रोह का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है वो कौन है? तो वो बिरसा मुंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता यानी कि मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, कब पकड़ा गया था? 3 मार्च 1900 को, यानी कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं। तो 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूम के जाम को पाई बंश में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो झारखंड उत्तरांचल छत्तीसगढ़ में से कोई नहीं, तो यानी कि 1899-1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। और यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तित एवं दिखियों यानी आदिवासियों को शोषण करने वाले बाहरी लोग के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था, जो झारखंड में, झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था जनजातीय लोगों के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के कारण निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किए हैं? तो भू राजस्व की नई प्रणाली को लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। तो इसमें डी वाला जो है, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौज विद्रोह हुआ था। तो हौज विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में। ये आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो ये सुरेंद्र साई थे, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे और सिपाही विद्रोह। ठीक है, तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ, नील विद्रोह 1859-60 में हुआ और दक्कन दंगे जो हुए वो 1875 ईस्वी में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के पश्चात लोकप्रिय आंदोलन कौन कौन से थे? तो लोकप्रिय आंदोलन सबसे पहले नील क्रांति थी। ठीक है, नील क्रांति हुई, दक्कन यानी कृषकों के दंगे हुए और बिरसा मुंडा उठाओ। देखिए, संथाल विद्रोह 1855-56 में, नील विद्रोह 1860 में, दक्कन कृषकों के दंगे 1875 ईस्वी में और बिरसा मुंडा विद्रोह 1899-1900 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से मिलान कीजिए। सूची वन में मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था, पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में, एका विद्रोह हुआ था अवध में और बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार में हुआ था। यानी कि ऑप्शन ए सही है, डी का टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह, मालाबार केरल में पावना विद्रोह 1873-76 तक पावना बंगाल में, और एका आंदोलन अवध में 1921 ईस्वी में, और बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार यानी 1899-1900 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से मिलान कीजिए, विद्रोह आंदोलन और वर्ष। सॉरी, देखिए विद्रोह आंदोलन वर्ष दिया गया है, तेभागा आंदोलन, मोपला, पावना किसान, बंगाल नील विद्रोह। बंगाल नील विद्रोह 1959-60 यानी डी का वन है। पावना किसान मोपला कब हुआ था, 1921 इसमें देखते हैं। तेभागा आंदोलन हुआ था 1946-47 में, मोपला हुआ था 1921 में, पावना विद्रोह 1873-76 में, बंगाल नील 1859-60 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से मिलान कीजिए, पावना विद्रोह 1922 में, संथाल विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, इसमें देखते हैं। सॉरी, पावना विद्रोह 1873-85 ईस्वी में हुआ था, और एका आंदोलन 1922 ईस्वी में, एका, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ताना भगत 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एका आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो एका आंदोलन ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थान के किसानों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से मिलान कीजिए, रंपा विद्रोह यानी कि रंपा विद्रोह जो हुआ है वो कब हुआ, 1879-80 में, पावना किसान विद्रोह, पावना किसान विद्रोह जो हुआ है वो हुआ है 1873-76 में, पावना बंगाल नील 1959-60 में हुआ, और जयंतिया विद्रोह, ये जयंतिया 1860-63 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह ये केरल मालाबार तटीय क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ, तो मालाबार। अगला क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था फिर वही मालाबार में, मालाबार यानी केरल के मुसलमान पट्टेदारों तथा खेतिहारों को मोपला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से मिलान कीजिए, बैरकपुर विद्रोह, बरहामपुर और संथाल बेलौर। ठीक है, बैरकपुर विद्रोह 1857 में, बैरकपुर में 1824 यानी कि बैरकपुर विद्रोह जो 1824 में हुआ था। ठीक है, बरहामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ। बरहामपुर, संथालों का विद्रोह सिद्धू तथा कानू के द्वारा 1855-56 में, ये संथाल विद्रोह था। 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों के हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लौर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से मिलान कीजिए, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह ये है, ये हुआ था 1828 में, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल विद्रोह 55-56 में, मोपला विद्रोह 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ये तो सही है, कूका विद्रोह पंजाब में, ये भी सही, कोली विद्रोह गुजरात में, और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, ये दोनों सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो ये मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भीलों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, मुंडा बिरसा, संथाल कानू, अहम, गोमधर कुमार और नायक, ये ताना भगत, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन उतराव उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से मिलान कीजिए, 19वीं सदी के कृषक और विद्रोह हैं। ठीक है,
कूका विद्रोह ये कहाँ हुआ था? कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, यानी कि कुकी विद्रोह त्रिपुरा में, कुकी त्रिपुरा में हुआ था, कूका पंजाब में हुआ था, ठीक। और बिरसा मुंडा बिहार में हुआ था, पावना बंगाल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से मिलान कीजिए, विद्रोह और वर्ष दिए गए हैं। नील दर्पण 1859-60 में, जयंतिया 1860-63 में, कुकी 60-90, कूका विद्रोह 1832-34 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो भूमिज विद्रोह का नेता गंगा नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन 1986 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो तेभागा आंदोलन 1986 वो सॉरी 1946 में ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो ये भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन शुरू हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946-47 में बंगाल का प्रसिद्ध आंदोलन था, और जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया और किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था, और इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपा राम सिंह भुवन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जोड़ा नांग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो एन एम लोखंडे थे, ये प्रथम नेता थे जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। और नारायण मेघाजी लोखंडे जो 1848 1897 ईस्वी में भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं, उन्होंने केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों को परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया है, ठीक है। तो ये हमारे 1857 के विद्रोह और अन्य विद्रोहों के क्वेश्चन थे। अब हम अगली कड़ी में देखेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।